गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हो गए। अभी तुम्हारा भाई सो के उठा है और मौसम हो रहा है बिल्कुल ठंडा चीक पेक। तो गाइस, आज का ब्लॉग पूरा देखना। आज है मेरा पेपर, और आज मेरा पेपर मलीपुर रोड पे है, गुरुकुल विद्यालय कॉलेज में। और अब चलते हैं कॉलेज, तो मैं नहा धो के आपसे मिलता हूँ। यहाँ चल रही पूजा, जय श्री नारायण। मैं मिलता हूँ आपसे नहा के और चेक पिक तैयार हो जाता हूँ। फिर मंदिर भी जाना है, तो मैं मंदिर का भी आपको दिखाता हूँ मैं मंदिर कहाँ जाता हूँ। तो भोले बाबा को जल चढ़ाने जाना है, तो मैं आपसे मिलता हूँ 5 मिनट के बाद नहा के। गाइस, फाइनली मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। अभी कॉलेज वालों का मैंने इस कॉलेज ग्रुप में मैसेज सीन करा था, तो मेरा पेपर लेट है, पोस्टपोन्ड हो गया थोड़ा। तो 1 बजे मेरा पेपर है, तो इसलिए मैंने अपना नहा धो के ये टी शर्ट टू शर्ट और लोअर पहन लिए हैं। मैं फालतू पे तैयार होकर बैठा रहूँगा, कोई फ़ायदा ही नहीं। 1 बजे पेपर है, अभी 8 बजे हैं। तो आज है मंडे, और अब मैं भोले बाबा को आज दूध चढ़ाने जाऊँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल, अभी तो मैंने सूर्यदेव को जल दे दिया, और अब मैं पेड़ों को पानी डाल रहा हूँ। तुलसी मैया है, इनमें हम पानी डाल देते हैं, और बाकी और पेड़ हैं और उनमें भी डाल देते हैं। इस पेड़ों को पानी मैंने डाल दिया है, तो मंदिर का टाइम हो गया, मंदिर चलते हैं। तो बाकी हम नीचे से सामान ले लेते हैं, लोटा दूध, दूध तो बाहर से ही लूँगा कच्चा, और बाकी मिलता है खाना पैक। ओ खाना कह रहा हूँ, वो जल का सामान पैक कर रही हैं, तो इतने कुत्ते को डॉगी को रोटी डालने जाते हैं। तो अब गाय से पहले तो गाय की रोटी भी बन गई, गाय की रोटी डालने जा रहे, फिर जाते हैं वहाँ से मंदिर। अभी पहले एक काम आ गया, अब डॉगी को रोटी डाल के आते हैं। तो गाइस, डॉगी भी आ गए, ले ये रहा डॉगी। मैंने बाइक कर ली गरम, अब चलते हैं गाय को रोटी देने, फिर चलते हैं मंदिर। तो गाइस चलो चलते हैं, अब मैं आपसे मिलता हूँ गौशाला। तो गाइस ये रहा देखिए, ये जल ले लिया, ये गाय की रोटी है, और अब चल रहे हैं हम। तो गाइस देखा आपने, जैसा कि गाय को अभी खाना खिला दिया है,
और अब हम जा रहे हैं दूध लेने, और फिर जाता हूँ मैं मंदिर, मैं मिलता हूँ आपसे मंदिर में भाई। तो भाई जैसा है अब दूध भी ले लिया है मेरा दूध, और अब चलते हैं मंदिर। गाइस फाइनली मैं मंदिर हो चुका हूँ, और मंदिर हो आया, जल चढ़ा दिया भगवान भोले बाबा को, प्रसाद भी खा लिया। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे गाइस घर पे। फाइनली मैं घर आ गया हूँ, और मम्मी ने चाय भी दे दी है। अब मैं चाय वाय पी के आपसे मिलता हूँ कॉलेज के टाइम पे 1 बजे। अब थोड़ा पढ़ लूँ क्योंकि मेरा इंग्लिश का पेपर है, और रात तक कुछ नहीं है पढ़ा भी, कुछ नहीं है। तो वहाँ जाके देखा कुछ नहीं लिख के आया, गालियाँ लिख के आया, गाने लिख के आया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ कॉलेज वाले टाइम पर तैयार होके। तो गाइस फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ अपना पेपर देने के लिए। टाइम 11:30 हो गए इस टाइम पे। और एक और खुशी की बात है, मेरा एक दोस्त था अमन, उसका नाम है, वो नेपाल चले गया था, तो आज वो आ गया है। उसका भी फ़ोन आया है कि भाई मिल ले आके, मैं आ गया हूँ सहारनपुर। तो गाइस उससे भी मिला जाएगा, और पेपर भी दिया जाएगा, उसे लेके जाऊँगा साथ में पेपर देने। तो उसे मैं बाहर बैठा दूँगा, और बाकी मैं आपसे मिलता हूँ रास्ते में। घर से निकल के अमन के घर आ गया था, और ये अमन, ये बहुत टाइम बाद आया नेपाल से, और इसके साथ एक भाई भी आया था। और अब हम चल रहे हैं पेपर देने। जैसा कि आपको पता है मणिपुर पेपर है मेरा, और ये मेरे साथ जा रहा है, तो वहाँ कोई बात भूत होगी तो ये अगला बंदा संभाल लेगा सारी बातें। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं आपको, मैं रास्ते में मिलता हूँ। गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपनी लोकेशन पे, और मेरा ये दोनों साथ हैं, ये इसका भाई भी है, मेरे साथ ही आ गया था पेपर देने। तो हम बाग में रुके हुए इंतज़ार कर रहे हैं, अभी टाइम हुआ नहीं है, और 2:30 बजे पेपर है, 1:30 बज गए हैं। अब 12 भी चलने वाली है, तो अब मैं पेपर दे के आपसे मिलता हूँ। और अगर थोड़े बहुत व्लॉगिंग करेगा तो ये अमन कर लेगा आके, क्यों भाई कर लेगा थोड़ी बहुत व्लॉगिंग जरूर। अमन भी कर लेगा, और बाकी अब इंग्लिश का पेपर है, देखते हैं क्या होता है, तैयारी कुछ है नहीं, अंदर जाके देखते हैं, थोड़ी बातचीत, थोड़ी चिटिंग करा दें, वैसे करने तो देने नहीं क्योंकि बाहर से टीम आती है फ्लाइंग वालों की। और बाकी मैं आपको पेपर देके आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ लगा है मेरा सेंटर, और ये भाई अंदर ही खड़ा है, ये भी बाइक पर बैठे हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे पेपर देने के बाद। तो गाइज मैं फाइनली पेपर दे के आया था, तो पेपर दे के अमन और हम सारे गए हुए थे पेपर देने, जैसे कि आपने देखा ही है। तो आकाश का वहाँ से कॉल आ गया था, तो मैं आकाश के पास आया, तो कहने लगा भाई तेरा सरप्राइज प्लान करा हुआ है। तो अब मैं आया था, अब देखिए यहाँ पे अमन है साथ, ये आकाश है, और इन्होंने सरप्राइज रखा हुआ था, केक है, केक। मेरा बर्थडे 5 तारीख का था, और आज 7 तारीख हो गई, तो इस वजह से इन्होंने आज थोड़ा सरप्राइज प्लान कर रखा था। तो बाकी अब मैं केक काट के आपसे मिलता हूँ। साल का मोरा थोड़ा बजा रहे भाई।
तो गाइस ये आ गया है बर्गर और पिज्जा आ गया। बिहारीगढ़ में जाम लग रहा था ये और इतना जाम था ये टुकड़ों में बेचारे। बताओ भाई टुकड़ों में भी आ गए, ये तो अपना एक टुकड़ा लेके बैठ गया। भाई क्या कहना है तेरा? बस पिज्जा खाना टुकड़ा है तेरा भाई, तेरा क्या कहना है? और भाई मेरा तो कहना ये है, ये बर्थडे मतलब तेरे साथ पिज्जा था। अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं रोड पे हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, ये मेरी तरफ से मतलब एक तरीके से प्रॉमिस है पक्के वाला, बस दुआ करिए मेरा हो जाएगा। बस ठीक, अब सुन लिया आपने आकाश का कि आकाश कह रहा है कि रोडीज में इसका यह होते ही तो फिर ये और बढ़िया दावत देगा। तो फिर गाइस इसे सब गुड लक कहना कि इसका रोडीज का ऑडिशन है तो और बढ़िया हो जाए सबका। तो बाकी अब मैं खाना वाना खा के आपसे मिलता हूँ, ठीक है गाइस? तो ये बैठा है अपना, चल रहा है ये, चल रही है फायर। तो गाइस ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं आपसे। फाइनली अब निकल चुके हैं यहाँ से, ये चल रहा साथ साथ और अब हम चल रहे हैं यहाँ से अपना घर की तरफ। अब आप इतने पीछे का नजारा लीजिए, अब मैं चलता हूँ घर क्योंकि गालियाँ पड़ चुकी हैं। मम्मी के चार कॉल आ गए और अब पिटेंगे घर जाके। इसके भी तेरी मम्मी गालियाँ, मुझे भी तेरी गालियाँ। और बाकी आपको दिखाता हूँ पीछे का, तो चलते हैं। घर आ गया हूँ और अब मैंने खाना वाना खा लिया और बाकी अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो गाइस अगर मेरा ब्लॉग आपको देखने में अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी तुम्हारा भाई मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। जय।